Mrs. Babita, Rida Mandir's mother. Mrs. Asha, please come on the stage. Yes. मैं आपके सामने एक भजन पेश करना चाहती हूँ, मगर सोच जानती हूँ आपको। सुखी थोड़े दुखी रहने जगत में भोग कष्ट सहरानी, किस किस के दुख दूर करूँ या दुनिया जिनका
का पहले हमें नाम नहीं मिला या आपने पहले नाम नहीं नोट कराया हो, आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो कुछ भी करने के लिए, स्पीच, सॉन्ग, डांस, जो भी है, आप प्लीज मीना मैम को बता दें। कोई इंटरेस्टेड हो डांस वगैरह के लिए, स्पीच के लिए, जिन्होंने पहले नाम नहीं नोट कराया है, अब कराना चाहते हो, तो मीना मैम को या किसी भी टीचर्स को प्लीज आप बता दो। यस मैम, मीना मैम प्लीज नोट नेम इनको। मैं आपके सामने एक कविता पेश करना चाहती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। लड़की कन्या भ्रूण हत्या के बारे में। हर लम्हे है ऐसा लगता है मानो सारे कम सिर्फ उनके लिए ही बने हैं, सिर्फ उसके लिए ही बने हैं। जन्म लेते ही क्यों कुछ चेहरों पर मासूमियत छा जाती है, कुछ कलियां खिलने से ही पहले क्यों मुरझा जाती है, क्यों करूं हर ऐसे करके खुद विधाता बन जाते हैं। अरे समाज के ठेकेदारों, क्यों तोलते हो उसे दहेज से, तोल कर तो देखो एक बार, नर नारी से भारी है। हाँ नारी नर से भारी है, और अतीत में उसने नर के लिए विधाता से बाजी मारी है, माता के रूप में विधाता ने उसमें स्वयं अपनी छवि उतारी है, क्योंकि वो जग के सृजनहारी है। अरे और झरन की देखी मारने वालों, जरूरत नहीं उसे और क्षण की, आज नारी को चाहत है बस सुरक्षा, सहयोग और सम्मान की, न जाने कितने दुश्मन रोज चीर भर जाते हैं। जय तो उनको मानना पड़ता है, बनवा के मानते हैं, ठीक है। प्लीज क्लैप फॉर देम। एक बार एक तोता होता है, उसको तीन भाषा आती हैं, हिंदी, इंग्लिश और हरियाणवी। एक बार एक आदमी उससे पूछता है, कि हु आर यू, वो कहता है कि आई एम पैरेट। फिर उसके बाद वो दोबारा पूछता है कि तेरा तुम कौन हो, ये कहता है कि मैं तोता हूँ। फिर उसके बाद वो हरियाणवी में पूछता है कि अर तू कौन से है। फिर उसके बाद वो ये कहता है, परेशान हो जाता है, त्रिपुआ का फूफा। थैंक यू। एक बार दो बच्चे होते हैं, संता और बंता, उनके वो दोनों रियल ब्रदर्स होते हैं। उनका एक बार टेस्ट होता है, उन दोनों ने अपने पापा का नाम अलग अलग लिख रखा होता है। मैम कहते हैं, तुम दोनों ने अपने पापा का नाम अलग अलग क्यों लिख रखा है। मैं वो फिर वो बच्चे कहते हैं कि हम आपको लगता है कि हमने चीटिंग करी है। Bye.
हाँ।